जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं चंदन के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो है वो मेरे पास आ रहे थे कि दीदी, सुहागन महिलाएँ, जो भी स्त्रियाँ हैं, जो भी माताएँ बहनें हैं, वो चंदन लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और आ रहा था कि जो भी सुहागन महिलाएँ हैं उनको सिंदूर जो है वो पहले भर के फिर पूजा करनी चाहिए, मतलब माथे पे सिंदूर जो है वो लगा के फिर पूजा करनी चाहिए, या जो सिंदूर है वो बाद में लगानी चाहिए। तो मैं इन दोनों प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ और बहुत ही सुविधापूर्वक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं और हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएँ जो हैं वो चलती रहती हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश जो है वो करने वाली हूँ। पहला प्रश्न लेते हैं कि सुहागन महिलाएं, जो भी स्त्रियां हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, वो चंदन लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। तो देखिए, चंदन कई तरीके के होते हैं, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, इस तरीके के बहुत सारे तरह तरह के चंदन जो हैं वो आने लगे हैं। चंदन लगाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। चंदन जो है वो साक्षात भगवान का एक रूप ही होता है और वो भगवान को लगाया जाता है और खुद भी धारण करते हैं, तो उसकी एक महत्वता जो है वो बढ़ जाती है। और जब चंदन अपने सर पे लगाते हैं तो जो हमारा एक तरीके से शरीर है वो पवित्र हो जाता है और बहुत सुंदर प्रतीत होता है, मन हमारा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है अगर हम चंदन को अपने सिर पे लगाते हैं तो। साथ ही साथ चंदन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको गुस्सा भी नहीं आती, इसलिए चंदन जो है वो लगा सकती हैं स्त्रियाँ। कई बार क्या होता है कि भगवान जी के चरण पादुका जो है वो लगाती हैं बहुत सारी माताएं बहनें, तुलसी जो है वो भी विराजमान करती हैं अपने सिर पे। तो चंदन कई तरीके से लगाती हैं बहुत सारी माताएं बहनें हैं, सिर्फ बिंदी जैसा लगाती हैं या बहुत सारे पुरुष भाई हैं लंबा लगाते हैं, यहाँ पे मैं स्त्रियों की केवल बात करूँगी आज, तो कोई बिंदी जैसी लगाती हैं, कोई अपनी जो बिंदी होती है उसके नीचे लगाती हैं, कोई बिंदी के ऊपर लगाती हैं, कोई एक तरीके से जैसे मैंने बता दिया कि भगवान श्री हरि विष्णु के पैर बनाती हैं, लंबा जो होता है ना तिलक, वो भगवान श्री हरि विष्णु के पैर और उसके बाद नीचे जो है वो तुलसी जी को बैठाती हैं, इस प्रकार से लगाती हैं। तो चंदन आप लगा सकती हैं, चाहे तो वो चंदन पीला हो या चंदन लाल हो। सफ़ेद चंदन पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो भी माताएं बहनें, जो भी स्त्रियाँ चंदन सफ़ेद लगा रही हैं, तो उस चंदन में या तो पीला चंदन थोड़ा सा मिला लें या थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि नहीं, हमें सफ़ेद चंदन ही लगाना है, तो अगर आप वैसे देखो जो शादीशुदा स्त्रियां होती हैं, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, उनको सफ़ेद चीज़ों से जो है वर्जित बताई गई हैं, तो सफ़ेद अगर आप लगा ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको सफ़ेद चंदन भी बड़ा पसंद आ जाता है, तो जो माताएं बहनें सफ़ेद चंदन लगाती हैं उनको एक चंदन जो है उसके ऊपर एक लाल बिंदी जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। कभी भी सफ़ेद चंदन अकेले जो भी सुहागन महिलाएँ हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। सफ़ेद चंदन जो है वो एक तरीके से मैं बताऊं कि जिनके पास पति नहीं है या मोह माया छोड़ चुकी हैं, जो वैराग्य को धारण कर चुकी हैं माताएं बहनें, या जो एक तरीके से मोह माया त्याग कर चुकी हैं, गृहस्थ जीवन में नहीं हैं, ऐसी माताएं बहनें सफ़ेद चंदन लगा सकती हैं। लेकिन जो भी सुहागन महिलाएं हैं, जो भी गृहस्थ जीवन में हैं, तो वो स्त्रियां सफ़ेद चंदन लगाने से बचें। लेकिन अगर लगा रही हैं तो उसमें पीला थोड़ा सा चंदन या लाल चंदन मिला के लगाएं, या अगर आप लगा रही हैं तो सफ़ेद चंदन के ऊपर लाल चंदन जो है वो ज़रूर लगाएं। कभी भी सफ़ेद चंदन अकेले ना लगावें, इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। और चंदन लगा सकती हैं, चंदन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, खास करके पीला और लाल चंदन जो है वो सुहागन स्त्रियों को लगाना चाहिए, ये उनके लिए उत्तम रहता है। सबसे जो भी माताएं बहनें जिनके पास पति नहीं है या जो भी संसार से दूर हैं, मतलब जो या जो भी स्त्रियां अपने गृहस्थ जीवन से दूर हैं, उनके लिए सफ़ेद चंदन एकदम से बेस्ट है। लेकिन चंदन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया। दूसरा, जब भी आप चंदन लगावें, किसी मंदिर में जावें या आप घर पे चंदन लगावें, तो आप घर पे चंदन लगा रही हैं तो भगवान को पहले लगाएं, उसके बाद अपना लगाएं। भगवान का जूठा चंदन लगाने की महत्वता जो है वो बढ़ जाती है, उसका अलग ही एक मैं बताऊँ कि रूप जो है वो अलग ही होता है, इसलिए भगवान को लगा के अपने माथे पर जो है वो सजाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो
तो आप सिंदूर या चंदन जो भी लेते हैं तो जो वहाँ पे पुजारी जी बैठे होते हैं उनके हाथ से ना लगवा के स्वयं लगाएं तो ज़्यादा सही है। जो भी सुहागन स्त्रियाँ हैं वो स्वयं से, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा जो वहाँ के बाबा बैठे होते हैं वो कटोरी जो है वो आगे कर देते हैं कि आप लगा लीजिए, तो अपने हाथ से चंदन या अपने हाथ से सिंदूर लगाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो सिंदूर है वो पहले लगाएं या बाद में लगाएं। तो देखिए सिंदूर जो है आप पहले सबसे सर्वप्रथम आप स्नान करती हैं उसके बाद आप सबसे पहले भगवान के पास ही आती हैं पूजा करने, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पहले सिंगार कर लेती हैं उसके बाद भगवान के पास आती हैं। तो भगवान के जब पास आप आती हैं, जब पूजा विधिवत तरीके से आप करती हैं तो भगवान जहाँ पे विराजमान है वहीं पे आपको अपनी सिंदूरदानी जो है वहीं पे रखनी चाहिए। पूजा कर जब आप कर रहे हैं तिलक लगा रहे हैं उस समय आपको भर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो भगवान को जो भी आप माता जी को सिंदूर, क्योंकि जो भगवान है उनको हम चंदन लगा रहे हैं लेकिन जो माता जी हैं उनको सिंदूर लगा रही हैं, तो माता जी को जब सिंदूर लगाती हैं तो उनका जूठा सिंदूर तुरंत अपने माथे पे सजाइए, सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर आप ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो सिंदूर है वो कभी भी खाली मतलब बासे मुँह या स्नान करके तुरंत नहीं लगाना चाहिए, पहले कुछ मीठा खाना चाहिए उसके बाद सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप सुबह जब स्नान कर लें तुरंत आप भगवान जी के मंदिर जब जाती हैं पूजा करती हैं वहां पे भगवान को सिंदूर चढ़ाती हैं मतलब माता जी को सिंदूर चढ़ाती हैं तो उनका जूठा सिंदूर अपने माथे पे सजाइए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, पति की तरक्की होगी, उनकी आयु लंबी होगी, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अब हम दोबारा सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, तो जब भी आप अपने बाल जो हैं वो बांध रही हैं मांग को खोल रही हैं तब आप पूरी तरीके से सिंदूर भर सकती हैं, चाहे वो दोबारा हैं चाहे वो तिवारा हैं। मतलब अगर आप मांग पूरी तरीके से खोल के और फिर चुटिया जो है वो बनाते हैं फिर रबड़ बैंड लगाते हैं तो आपको सिंदूर भरना ही चाहिए, कभी भी मांग जो है वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन हाँ अगर आपने अपने जो मांग है वहाँ पे सिंदूर जो है वो भगवान जी को जैसे लगाया है आपने लगा लिया अपने माथे पे, इसके बाद आपने सीधा सीधा बाल जो है वो ऐसे ही बना लिए तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं आपको वहाँ से आपने लगा लिया तो लगाना ही है। सिंदूर जब भरा जाता है जब आप मांग पूरी खोलती हैं तब, वैसे आप चाहें तो आप थोड़ा सा सिंदूर अपने मांग में लगा सकती हैं पूजा करते समय, सब लोग लगाते हैं, लेकिन जब आप मांग खोलें तो आपको पूरा सिंदूर जो है वो अपनी मांग में भरना चाहिए। तो ये रहे आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई मन में प्रश्न आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी, और ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों, जय माता दी।